समाज और धर्म की बंदिशों को दरकिनार कर यूपीएससी के दो टॉपर्स ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया है। सिविल सर्विस की परीक्षा में टीना डाबी जहां नंबर वन पर थी, तो वही अतहर आमिर उल शफी खान दूसरे नंबर पर आए थे। फिलहाल दोनों की मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनिंग चल रही है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में टीना डाबी ने बताया कि उनकी और अतहर की शादी की तारीख तो फिलहाल तय नहीं हुई है, लेकिन दोनों की बहुत जल्द सगाई होने वाली है। दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाली 22 वर्षीय टीना यूपीएससी फाइनल में पहले स्थान पर रही थी, तो वही दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर के अतहर आमिर उल शफी खान ने हासिल किया था। दोनों की मुलाकात नॉर्थ ब्लॉक के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के दफ्तर में हुई थी और तभी से दोनों में प्यार हो गया था। अपनी बातों को बिंदास तरीके से रखने वाली टीना रिजर्व कैटेगरी से आती हैं। दो अलग समाज और धर्म होने के बावजूद टीना और अतहर ने अपने रिश्ते को कभी दुनिया से नहीं छिपाया। इस फैसले से दोनों के ही परिवार खुश हैं। टीना मानती है कि एक तरफ जहां उनके इस फैसले को लोगों का खुलकर समर्थन मिला, तो वहीं कुछ कट्टरवादी सोच के लोग अपनी नकारात्मक टिप्पणी करने से भी बाज नहीं आए। धर्म जाति और समाज से उठकर टीना और अतहर की शादी करने का यह फैसला उन सभी तबके के लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो बदलते वक्त के साथ अपने में बदलाव नहीं ला पाते और समाज द्वारा बनाई गई कुरीतियों में जकड़े रहते हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।